वैन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल डिसीशन मेकिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सीमेट्रिक इंफॉर्मेशन ए सीमेट्रिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है ए सीमेट्रिक इंफॉर्मेशन मीन्स के जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास है हम दोनों प्लेयर्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट हैं मैं इन्वेस्टर हूँ आप ब्रोकर हैं मैं बैंक का नुमाइंदा हूँ आप सेवर हैं आप सेविंग करने वाले हैं आपके पास मनी है जो आप जमा कराना चाहते हैं फाइनेंशियल के उसके ऊपर के एक रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करने के लिए तो वी वी कैन हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स सो हम डिफरेंट रोल्स प्ले कर सकते हैं तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इज कम्पोज ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स या पीपल प्लेइंग डिफरेंट रोल्स उन वो तमाम लोगों को आपने इकट्ठा करके अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है तो एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो उसके अंदर कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो मुख्तलिफ़ रोल प्ले कर रहे हैं लोग इन्वेस्टर है ब्रोकर है एडवाइज़र है उनकी लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अगर तो बराबर है तो हम कहते हैं सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है लेकिन चूँकि रियल वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि जो ब्रोकर के पास इंफॉर्मेशन होगी वो मेरे पास नहीं होगी जो मेरे मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं इन्वेस्टर हूँ वो ब्रोकर के पास नहीं हो सकती मेरे मे, जो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन है वो मुझे पता है उसको नहीं पता तो इन द रियल वर्ल्ड व्हेन वी लुक एट द डिफरेंट कैरेक्टर्स दैट फॉर्म द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उनमें जो लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है वो सेम नहीं है तो वी ऑब्जर्व दैट देर इज़ ए सीमेट्रिक इंफॉर्मेशन ए सीमेट्रिक इंफॉर्मेशन मीन्स द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू इज़ नॉट एट पार विद द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन विच आई हैव अबाउट मी अबाउट माई बिजनेस अबाउट द फाइनेंशियल एसेट विच आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन वगैरह वगैरह तो ए सीमेट्रिकफॉमेशन काफ़ी प्रॉब्लम्स कॉज कर फाइन ए सीमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से आपको ब्रोकर के पास जाना पड़ रहा है ए समेट्रिक इन्फॉमेसन के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं आप किताबें पढ़ते हैं आप लिटरेचर पढ़ते हैं आप एनअल रिपोर्ट पढ़ रहे हैं आप उन आप डिफरेंट कंपनीज की वेबसाइट्स पर जाते हैं वहाँ से आप इन्फॉमेसन लेने की कोशिश करते हैं ताकि ये जो ए सीमेट्री है इसको हम मिनिमाइज कर सकें लेकिन आप इसको एलिमिनेट परफेक्टली एलिमिनेट नहीं कर सकते राइट right? तो इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और वो क्या प्रॉब्लम्स हैं उनमें दो अहम बातें हैं जो कि हमें पता होने चाहिए द फर्स्ट वन इज़ टर्म्ड एज एडवर्स सिलेक्शन तो हमने देखा कि किसी भी ट्रांजेक्शन के होने से पहले ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एसिमेट्रिक सीमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की वजह से अभी मैंने वजाहत की एसिमेट्रिक सीमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जो डिफरेंट लोग इन्वॉल्व हैं किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के अंदर उनका लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन बराबर या एट पार नहीं है तो एडवर्स सिलेक्शन का क्या मतलब है एडवर्स सिलेक्शन का मतलब ये है कि वो लोग जो के ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं फॉर फॉर या जिनके बिज़नेसेस बहुत अच्छे नहीं चल रहे फॉर एग्जांपल जिनके बिज़नेसेस बहुत अच्छे नहीं चल रहे सिर्फ वही ऐसे लोग होंगे जो कि बैंक्स के पास जाएंगे उधार लेने के लिए लोन लेने के लिए राइट तो दिस पर्टिकुलर फिन कैन बी क्लासीफाइड एज द एडवर्स सिलेक्शन के वेवर देर इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस उनमें ज़्यादातर लोग वो इन्वॉल्व होते हैं जहाँ थोड़ा कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का एडवांटेज किस वजह से हो रहा है उनको कि लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन जो उनके पास है अबाउट अबाउट देयर कंपनी इज नॉट द सेम विथ दो पीपल जिनके साथ वो बिजनेस करने जा रहे हैं राइट तो अगर जो बॉरो है उसको मुश्किल आ मुश्किल आ रही हैं अपने बिजनेस में वही ऐसे ही ज़्यादातर लोग बैंक के पास जाएंगे हमें उधार दे दें अब ऑलरेडी मुश्किल हैं तो फिर काम उनके लिए बैंक के लिए देर इट इज ग्रेट इट इज इट इन्वॉल्व हायर लेवल ऑफ रिस्क कि वो ना रीपे कर सके वो लोन जिसको वो बोरो करने जा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि इवेंचुअली सिर्फ वो ही लोग सिलेक्ट होंगे एज द जिनको आपने लोन देना है एज द बोरोवर्स राइट आपके क्लाइंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ ग्रेटर फ्लक्चुएशन इन देयर बिजनेस या रिटर्न ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि जो सिलेक्शन हो रही है इंडिविजुअल्स की एज द क्लाइंट्स एज द कस्टमर्स उनमें सारे लोग बहुत अच्छे फाइनेंशियल हेल्थ वाले नहीं हैं एडवर्स सिलेक्शन हो रहा है राइट दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय एडवर्स सिलेक्शन मैं आपको इंश्योरेंस के मदद से एक इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करने जा रही हूँ कि ज्यादातर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि वो लोग इंश्योरेंस परफेक्टली हेल्दी है आदमी उसको लग रहा है मुझे कुछ नहीं होने वाला मैं बहुत ज्यादा साल जीने वाला हूँ तो वो नहीं इंश्योरेंस बाय करेगा ज्यादातर वो लोग इंश्योरेंस की पॉलिसी में इन्वेस्ट करेंगे जहां जिनको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है ठीक तो अगर ऐसा ना हो कहीं मुझे कुछ हो जाएगा तो फिर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर लेता हूँ तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो पॉलिसी बायर्स हैं इवेंचुअली उनमें ज्यादातर लोग वो होंगे जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम होगा तो सिमिलरली हम फाइनेंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि ज्यादातर वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आकर जहाँ शेकी फाइनेंशियल पोजिशन है तो आपके पास एडवर्स सिलेक्शन हो जाता है राइट दिस इज एनदर दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज ऑब्जर्व ड्यू टू एक् इंफॉर्मेशन एन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन फाइनेंशियल कॉन्टेक्सट इज द मॉरल हैजर्ड जब आपने लोन ले लिया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी से आपको पता ही आपके पैसे नहीं है आप उससे क्या करोगे आप मैंने इसको पे करना है वापस आई माइट नॉट रीपेट ठीक है हो सकता है तो आप उस पैसे से जो कि आपका खुद का नहीं है आपने बोरो किया हुआ है उस पैसे से यू माइट गेट इन टू दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जहाँ बहुत हाई लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व और डूब पैसे डूबने के चांसेस बहुत हाई हैं तो आप क्या करे हो दिस पर्टिकुलर फिनोमिनन इज टर्म्ड एज मॉरल हैजर्ड सो ये पर्टिकुलर फिनमिनन ऑब्जर्व होती है कब जब ट्रांजेक्शन हो जाए आपके पास मनी आ गई है अब आप उसके साथ आपका खुद का मनी था आप बहुत ध्यान से उसको इन्वेस्ट कर रहे थे लेकिन जब आपने बैंक से ले ली मनी या किसी और से ले लिया तो अब आपका आप देर इज अ हाई प्रॉबिलिटी कि आई यू माइट इन्वेस्ट दिस मनी विच इज़ नॉट योर्स इट हैज बीन बोरोड इन इन्वेस्टमेंट ऑपरचुनिटीज दैट इन्वॉल्व अ ग्रेटर लेवल ऑफ रिस्क सो जनरली लोग ऐसा करते हैं और गैर के पैसों से ठीक है बैंक से बोरो की भी मनी से वो ऐसा करते हैं और इस फिनन को और वो ऐसा करेंगे ये बात नहीं पता थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जिसका मतलब है कि ए समटरी थी इन्फॉर्मेशन में तो उससे मॉरल हैज़ट आ जाती है उससे देर कैन बी एडवर्स सिलेक्शन तो मॉरल हैजर्ड जो है दैट इज़ बेसिकली इट लोअर्स द प्रोबेबिलिटी के लोन रीपे होगा अभी जाहिर है उनका एटीट्यूड प्रोन टू ग्रेटर रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज पे हो गया और जो रीपेमेंट की प्रोबेबिलिटी है वो कम हो गई है अब इस पर्टिकुलर चीज़ को ओवरकम करने के लिए बैंक्स क्या करते हैं वो कहते हैं मॉरल हैजर्ड ना हो जाए तो फिर वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को जो लैंडिंग के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको टाइट करते हैं और जब वो टाइट करते हैं तो उससे उनको भी नुकसान पहुंचता है लोगों को टाइट कंडीशंस का जिन्हों जिन्होंने मॉरल हैजर्ड नहीं ऑब्जर्व करना था जो कि सीर ध्यान से पैसे खर्च करने वाले हैं ख्वाह उनके अपने हैं या वो उनके बोरोड मनी है तो उससे वो सफ़र करते हैं लेकिन जनरली ऑब्जर्व किया गया बिहेवियर मॉरल हैजर्ड का लिहाजा जब इंस्टीट्यूशंस अपनी पॉलिसीज बनाते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज या बैंक्स अपने पॉलिसीज बनाते हैं वो एडवर्स सिलेक्शन को मद्देनजर रखते हैं वो मॉरल हैजर्ड को मद्देनजर रखते हैं ए समेट्रिक इन्फॉमेसन को मद्देनजर रखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिनसे मॉरल हैजर्ड ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी को वो कट डाउन कर सकें रिस्क मैनेजमेंट करें बेहतर तरीके से उनको तो हार्म पहुँचता ही है स्ट्रिंजेंट सख्त पॉलिसीज़ का लेकिन जिन्होंने ऐसा नहीं करना होता जिन कस्टमर्स ने उनको भी इस बात का नुकसान